हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन फ्रेंड्स आज जो सामान की हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं ये सामान जो है हर गार्डनर के लिए बहुत ही ज़रूरी है और वो अपनी गार्डनिंग के दौरान कभी ना कभी इस समस्या से जूझता रहता है जिसका समाधान हम आपको यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं तो इस वीडियो में ना केवल हम अनबॉक्सिंग दिखाएंगे उसको यूज़ करके दिखाएंगे बल्कि उसका अपडेट भी दिखाएंगे कि उसका क्या रिजल्ट रहा है ये दोस्तों है येलो स्टिकी ट्रैप फ्रेंड्स जैसे ही सीजन चेंज होता है बहुत सारे कीड़े मकोड़े हमारे गार्डन में अटैक कर देते हैं और उन कीड़े मकोड़ों की वजह से बहुत सारी बीमारियां हमारे प्लांट्स में लग जाती हैं जिसमें कि मुरड़िया रोग वगैरह भी है एफक्ट्स लग जाते हैं थ्राइप्स लग जाती हैं जब हमारे हिबिस्कस वगैरह की कलियाँ अपने आप ही गिरने लगती हैं जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है तो मैंने सोचा है कि चलो एक इसको यूज़ करके देखते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है ना नीम ऑयल वगैरह डालना भूल जाते हैं तो फ्रेंड्स ये जो है किसको किसको ट्रैप करेगा फंसाएगा ये है वाइट फ्लाई लीफ हॉपर टीमोस की ट्यूबर्ग जैसे बहुत सारे देखिए थ्राइप्स है एफेक्ट्स है बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ ट्रैप करेगा मतलब फंसा लेगा ये तो इसमें यूज़ करने का तरीका दिया गया है ये देखिए इस तरीके से लगाया गया है पिक्चर में इमेज में और ये जो है इसमें जो कॉस्ट दी गई तो बहुत ज़्यादा है हमें इतने की नहीं मिली हुई है हमें कम में मिली हुई है एक्चुअली हमने डील के समय मंगा लिया था बता इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि कई हैं ये अलग अलग चेंज होते रहते हैं इसमें जो है ट्वेंटी फाइव पीसेज हैं दो, दोस्तों इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो ट्वेंटी बाई फिफ्टीन सेंटीमीटर की है दोस्तों ये येलो स्टिकी ट्रे ट्रैप है जे ये स्पेशली जो हमारे कीड़े मकोड़े हमारे गार्डन में हमारे प्लांट्स में लग जाते हैं तो उन सबको ये प्लांट में ना लगा करके खुद अपने में लगा देता है तो ये इसको मैं छू रही हूँ तो एक चिपचिपा टाइप का है स्टिकी टाइप का है ये तो क्या होता है कि जब कीड़े मकौड़े होते हैं वो येलो कलर है ब्लू कलर है उसकी तरफ बड़ा ही अट्रैक्ट होते हैं जैसे देखो पीले फूल होते हैं हमारे गार्डन में उनमें ज़्यादा कीड़े मकोड़े आ जाते हैं तो ऐसे ही जो ये जो प्ला है येलो स्टिकी ट्रैप है ये हम अपने गार्डन में जगह जगह लगा देंगे तो ये है कि कीड़े मकोड़े हमारे प्लांट्स में ना लग करके इसी में जा करके लगेंगे और इसमें जो चिपचिपा इसमें जो मटेरियल लगा हुआ है उसमें जाकर चिपक जाएंगे तो जिससे हमारे प्लांट्स बच जाएंगे केमिकल हम लोग यूज करते हैं तो देखिए उसके भी अपने डिसएडवांटेज है हम लोग सब्जी वाले पौधों में नहीं यूज़ कर सकते हैं उसको ये इस तरीके से कि आगे और पीछे दोनों तरफ चिपचिपाहट है स्टिकीने से कुछ ग्लू टाइप का है तो इसमें होल्स बने हैं कि इसको आप जो है कहीं पर भी लटका सकते हो तो ये प्लास्टिक नहीं है या कुछ चिपचिपा चीजें इसमें लगाई गई है जिससे कि कीड़े मकोड़े चिपके तो ऐसे लूप बना करके किसी भी चीज़ से इसको जो है कहीं पर भी प्लांट्स के आसपास इसको लटका सकते हैं तो हमने जब ये बना लिया था बाद में मैंने देखा कि इस बॉक्स के अंदर जो है इस तरीके के छोटे छोटे से तार भी रखे हुए हैं इन तार की हेल्प से ही इनको जो है लटकाना रहता है मतलब ट्वेंटी फाइव पीसेज हैं तो ट्वेंटी फाइव ये तार हैं मेरे कदम ज़्यादा ही होंगे गिने नहीं हैं तो मैंने बहरहाल इसको यहाँ पर लगा दिया है अपनी गुलदाउदी के पास क्योंकि गुलदाउदी में आजकल मुझे वाइट फ्लाइज थोड़ी बहुत दिख रही थी और यहाँ पर जो है ये मैंने एक लगा दिया है तो ये जो है आप इसमें जो लिखा हुआ है फाइव मीटर की दूरी में लगा सकते हो तो यहाँ मेरे टमाटर और बैगन लगे हुए हैं तो यहाँ पर भी मैंने एक लगा दिया है और साथ में इस समय दोस्तों शाम के पाँच बजे हैं देखिए सूरज ढल गया है हमारे यहाँ पर तो मैंने शाम के समय देखिए बिल्कुल लगाया है ये जो वीडियो शूट हो रहा है बिल्कुल शाम को लगाया है अब हम आपको नेक्स्ट डे सवेरे ही दिखाएंगे मतलब बारह घंटे के ही कि में ही क्या अंतर आता है नेक्स्ट मॉर्निंग हम जब टेरेस में आए हैं इस समय बजे हुए हैं 8:30 और चलिए मेरे येलो स्टिक टेप्स का क्या हुआ क्या रिजल्ट रहा उसका दिखाते हैं केवल रात भर का ये जो है क्रिसेंथम के पास लगा था देखिए इसमें ज्यादा तो कीड़े नहीं लेकिन हाँ छोटा छोटा सा दिख रहा है मेरे से व्हाइट फ्लाइज भी दिख रही है छोटी छोटी सी सब चिपक गई है इसी में ये अगर इसमें ना चिपकी होती है, तो देखिए मेरे प्लांट्स में चिपकी होती ये दिख रहा है ना ये तो ये तो देखिए केवल रात भर का है असर रात भर में इतना आ गया है अभी मैंने पौधों में पानी भी डाला है और ये देखिए वॉटर लिली एक किला हुआ है और ये दिखाते हैं ओ माय गॉड इसमें तो देखिए बहुत सारे कीड़े लगे हुए हैं ये देखिए सब चिपके हैं ना तो ऐसे ही दोनों साइड इसमें दोस्तों चिपकेंगे और येलो कलर है तो कीड़े इसकी तरफ खींचे आते हैं तो हमारे प्लांट्स बच जाते हैं सीधे इसकी जो तरीका यही है कि इसकी तरफ ज़्यादा कीड़े अट्रैक्ट होंगे और इसमें जो चिपचिपाहट हाँ वाला कोई सब्सटेंस लगा है उसी में चिपक के रह जाएंगे तो हमारा टमाटर का देखिए पौधा बच गया मेरा नहीं तो ये सारे टमाटर में लगे होते हैं क्योंकि मुझे अभी टमाटर में कुछ कीड़े दिख रहे थे और टमाटर में जो है वायरस वगैरह की बीमारी दोस्तों बहुत जल्दी आ जाती है जिससे कि प्लांट खराब हो जाता है तो इसलिए हम इसको लगा लिए थे दूसरी तरफ का लगा है तीसरा ये वाला यहाँ पर मैंने बैगन है मेरा थल कमल है देखिए इसमें भी बड़े बड़े से कीड़े दिख रहे हैं ये देखिए मक्खी एक है कुछ मक्खी टाइप का एक ये है वाइट फ्लाइज देखिए सब जगह दिख रही हैं पीछे हिबिस्कस है तो आप देख लो अगर आपका छोटा गार्डन है तो जिन प्लांट्स में आपके ज्यादा कीड़े लगते हैं उनके आसपास इसको कर दीजिए तो ये जो है ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा लगाना होगा मेरे पूरे टेरेस में अभी मैंने तीन ही लगाए हैं अधिकतर वहीं लगाए हैं जहाँ ज्यादा कीड़े अटैक मतलब दिखते हैं मुझे जिन प्लांट्स के पास देखते हैं कई बार होता है ऐसे बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े हो जाते हैं दोस्तों तो नीम ऑयल भी असर नहीं करता है तो इसलिए ये है कि ये ठीक है वैसे तो हम पानी से बेकिंग सोडा और डिश वॉश लिक्विड से कीड़े मका भगाते थे लेकिन इधर क्या था कई बार टाइम नहीं मिलता था तो कीड़े मकोड़ो ऐसा लगता था ज़्यादा हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दें तो ये था कि प्रिकॉशनरी रूप में लगा दिया है ये लगा रहेगा इसकी लाइफ काफ़ी होती है जब तक ये पूरा कीड़ों से भर नहीं जाएगा अब तक चिपकते रहेंगे जगह बनी रहेगी तब तक ये यूज़फुल है बाद में पूरा कीड़ों से भर जाएगा तो आप इसको हटा करके नया लगा सकते हो साथ में एक इसकी जो लाइफ है ये तीन साल तो आराम से है दोस्तों फिर इसका जो है आगे हम अपडेट देंगे पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कर देना फिर मिलते हैं बाय